पोकेमॉन मेगा एवोल्यूशन एपिसोड 2 के अंदर हमें बताया जाता है कि इंसानों को एक पोनियोग्लिफ मिला था जो कि बहुत साल पुराना था और उसमें एक ह्यूज स्टोन के बारे में बताया गया है और लोगों का मानना है कि मेगा एवोल्यूशन का शुरुआत यहीं से हुआ था। इसके बाद हमें आगे की जर्नी को दिखाया जाता है जहां एलान और मरीन हुएन रीजन आ चुके हैं। उनके सफर को हमें दिखाया जाता है जहां मरीन जल्दबाजी के दौरान नीचे गिर जाती है और उसका मदद एक लड़का करता है और हमें पता है कि वो और कोई नहीं बल्कि स्टीवन है। इसके बाद सभी एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। एलान स्टीवन के पास एक कीस्टोन को देखता है और वो देखते हुए एलान स्टीवन को बैटल के लिए चैलेंज करता है क्योंकि एलान का गोल होता है सभी मेगा पोकेमॉन को हराना और एक स्पेशलिस्ट बनना, तो इसीलिए स्टीवन उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद दोनों के बीच बैटल शुरू होता है। एलान अपने चारिज़ार्ड को बाहर निकालता है और स्टीवन अपने मेटाक्रॉस को बाहर निकालता है। एलान चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व करता है और फ्लेम थ्रोअर का यूज करता है, वहीं मेटाक्रॉस साइके का यूज करके अटैक को डॉज कर देता है और फिर स्टीवन मेटाक्रॉस को मेगा इवॉल्व करता है और इसके बाद असली बैटल शुरू होता है। पर स्टीवन यार बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और पूरे स्ट्रेटजी के साथ बैटल करता है और चारिज़ार्ड भी अपना 100% देता है। पर इसी बैटल के दौरान कोई दूसरा पोकेमॉन अटैक कर देता है, वो पोकेमॉन पायरोर होता है और स्टीवन समझ जाता है कि कौन आया है और हमें लाइसेंडर को दिखाया जाता है। लाइसेंडर बोलता है क्या तुम दोनों अपने बैच को थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो। लाइसेंडर आके एलान को ये बताता है कि स्टीवन हुएन रीजन का चैंपियन है। मरीन तो लाइसेंडर को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक और सस्पिशियस हो जाती है। लाइसेंडर स्टीवन को बताता है कि एलान उसके अंडर काम कर रहा है। मरीन लाइसेंडर से बोलती है क्या तुम ही वो हो जो एलान को टाइम टू टाइम कॉल करते थे। इसके बाद मरीन अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है कि वो भी एलान के साथ इस सफर में उसके साथ है। लाइसेंडर एलान से बोलता है कि तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा छोटी है। एलान तो भाई पूरा शर्मा जाता है और मरीन को बोलते है यहाँ से चले जाने के लिए ताकि वो तीनों प्राइवेट में कुछ बातें कर सके। अब जाते हुए मरीन गिर जाती है और एलान मरीन की मदद करने के लिए जाता है। तभी स्टीवन लाइसेंडर से पूछता है कि एलान तुम्हारे अंडर काम करके क्या इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो लाइसेंडर उसे बताता है कि एलान ने जो मेगा रिंग पहना है उसके थ्रू जब पोकेमॉन मेगा इवॉल्व होता है तो उनका पावर इंक्रीज का डाटा डायरेक्ट उनके लैब में पहुंच जाता है और वो इन मेगा एवोल्यूशन के ऊपर रिसर्च करते हैं ताकि वो इनसे अच्छा काम कर सके। दूसरी तरफ मेरीन एलान से पूछती है कि आखिर ये लाइसेंडर है कौन, और एलान बोलता है वे मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरीन बोलती है क्या प्रोफेसर सिकमोर से भी ज्यादा। इसके बाद हमें पास्ट की कहानी दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं एलान का चार्मेंडर चार्मेलियन में इवॉल्व हो गया है और वो प्रोफेसर सिकमोर से कॉल में बात कर रहा है कि वो अपना मेगा इवोल्यूशन का ये जर्नी कंटिन्यू रखेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है एलान उस जगह में पहुंचता है जहां वो मेगा स्टोन है, लेकिन उस मेगा स्टोन को लाइसेंडर पहले ही ले चुका था। लाइसेंडर बोलता है अगर तुम ये चाहते हो तो मेरे साथ बैटल करो। तो एलान के चार्मेलियन के साथ लाइसेंडर के पायरोर का मुकाबला होता है और लाइसेंडर इजीली जीत जाता है। और फिर लाइसेंडर एलान को अपने साथ ले जाता है और अपना मकसद एलान को बताता है। एलान बोलता है तो हम प्रोफेसर सिकमोर को भी ये सब बता सकते हैं। तो लाइसेंडर बिल्कुल ही मना कर देता है क्योंकि अगर प्रोफेसर सिकमोर ने ये सब पब्लिश कर दिया तो लोग मेगा स्टोन के पावर को बुरे पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो एलान ये सब कुछ प्रोफेसर सिकमोर को नहीं बताता और वो लाइसेंडर के साथ टीम अप कर लेता है और फिर लाइसेंडर ही एलान को वो की स्टोन और वो मेगा स्टोन का रिंग देता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है और वो चारों एक जगह के लिए निकल जाते हैं जिस जगह में स्टीवन काम कर रहा है ताकि वो मेगा एवोल्यूशन के रूट को जान पाए। स्टीवन लाइसेंडर को उस एंशिएंट टैबलेट के बारे में बताता है और लाइसेंडर के पास जो टैबलेट है वो भी वो स्टीवन को दिखाता है और दोनों सोचते हैं कि अगर वो इन दोनों को मर्ज कर सके तो उन्हें मेगा एवोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। स्टीवन बताता है उसके टैबलेट में ये लिखा है कि ये एंशिएंट हिस्ट्री एक गेट के मदद से खुलेगा और लाइसेंडर बताता है कि उसके टैबलेट में ये लिखा है कि जब दो स्टोन एक साथ जुड़ जाएंगे तब वो गेट ओपन होगा और एक नया रास्ता सामने आएगा। स्टीवन समझ जाता है और वो उनको उस गेट के पास ले जाता है। फिर दो मेगा स्टोन यूजर यानी स्टीवन और एलान वहाँ हाथ रखते ही एक नया रास्ता खुल जाता है
और वो रास्ता उन दोनों को एक नया एंशियंट किंगडम में ले जाता है। स्टीवन अलान और लाइसेंडर को थैंक यू बोलता है क्योंकि अगर वो लोग नहीं आते तो स्टीवन कभी भी इसे ढूंढ नहीं पाता। वहाँ स्टीवन को पता चलता है कि उस बड़े मेगा स्टोन को बाहर निकालने के लिए दो अलग कीस्टोन लगेगा। फिर स्टीवन और अलान अपने कीस्टोन का यूज करके उस जगह को एक्टिवेट कर देता है और वो बड़ा मेगा स्टोन बाहर आता है जो कि पूरे मेगा इवोल्यूशन का रूट है। लाइसेंडर अपनी टीम को कॉल करता है और बताता है कि हमें वो मिल चुका है। लाइसेंडर का पूरा टीम वहाँ आके रिसर्च करने लगता है। लाइसेंडर स्टीवन को बताता है कि सबसे पहले वो ये देखेंगे कि ये बड़ा मेगा स्टोन आखिर किससे बना हुआ है। हमें देखने को मिलता है कि ये बड़ा मेगा स्टोन का पावर नॉर्मल मेगा स्टोन से बहुत ज्यादा है और तभी यार वेदर खराब होने लगता है और वहाँ रिक्वेजा अपीयर हो जाता है। उस बड़े मेगा स्टोन का पावर इतना ज्यादा होता है कि रिक्वेजा खुद मेगा इवॉल्व हो जाता है। रिक्वेजा बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वहाँ सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि रिक्वेजा भी मेगा इवॉल्व हो सकता है। और हमें प्राइमल ग्राउडॉन और प्राइमल कायोगर को भी दिखाया जाता है। इसके बाद मेगा रिक्वेजा वहाँ पे रहने वाले इंसानों के ऊपर हमला कर देता है। फिर अलान अपने चार्जार्ड को निकालता है, स्टीवन अपने मेटाक्रॉस को निकालता है और वो दोनों अपने पोकेमोन को मेगा इवॉल्व करते हैं ताकि वो रिक्वेजा के साथ बैटल कर सके। पर यार वो मेगा रिक्वेजा के सामने टिक भी नहीं पाते। सभी लोग तो बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं और तभी मेगा रिक्वेजा अपना स्पेशल मूव ड्रैकोमीटर का यूज करता है। रिक्वेजा का गोल ही होता है उस पूरे प्लेस को खत्म कर देना और उस बड़े मेगा स्टोन को अपने साथ ले जाना और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। वहाँ पूरा तबाही मच जाता है और इस तबाही में अलान को थोड़ा सा चोट लग जाता है। उन लोगों को पता चलता है कि वो बड़ा सा मेगा स्टोन और रिक्वेजा कुछ ना कुछ करके कनेक्टेड है। और सबसे बड़ी बात, लाइसेंडर के पास उस बड़े मेगा स्टोन का लोकेशन ट्रैक करने वाला डिवाइस है, उस बड़े से मेगा स्टोन के एनर्जी को लोकेट कर पाता है। तो लाइसेंडर अलान को काम देता है कि वो उस सिटी में जाए और साथ ही प्राइवेट में अलान को ये भी बताता है कि वो स्टीवन के साथ अच्छा संपर्क रखे क्योंकि स्टीवन के पास जो नॉलेज है वो उनके काम आएगा। और ऐसे अलान अपनी जर्नी को जारी रखता है। तो इसके बाद हमें मेगा एवोल्यूशन से जुड़ी और भी कई सारी मिस्ट्रीज अनसॉल्व होते हुए देखने को मिलेगा। तो इसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए यार इस वीडियो को एक लाइक कर दो और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बहुत जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। तब तक के लिए सायोनारा।